जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या पढ़ना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए है। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो को समझने के लिए पूरी तरह से, ठीक है, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर अगर आप महाभारत को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक कीजिएगा। पिछले वीडियो पर हमने बात किया था कि कैसे कर्ण दुर्योधन को षड्यंत्र सिखाते हैं कि वन में जाके पांडवों को परेशान करो, शकुनी भी साथ देते हैं, ठीक है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आज का चैप्टर है कर्ण आदि के द्वारा द्वैत वन में जाने का प्रस्ताव, राजा धृतराष्ट्र की अस्वीकृति, शकुनी का समझाना, धृतराष्ट्र की अनुमति देना और दुर्योधन का प्रस्थान। तो पिछले वीडियो पे धृतराष्ट्र ने सुना था कि पांडव कैसे कष्ट करके वन में रह रहे हैं, लेकिन इससे भी शकुनी और कर्ण को शांति नहीं मिल रही है और पांडवों को कैसे परेशान करने के लिए जाएंगे ये इस वीडियो में पता चलेगा। और चित्रसेन और कर्ण का युद्ध भी पहले पिछले वीडियो से ही शुरू हो गया है। तो शुरू करते हैं। वैसंपायन जी कहते हैं, भरत से जन्मे जय। तदंतर वे सब लोग राजा धृतराष्ट्र से मिले, उन्होंने राजा की कुशल पूछी तथा राजा ने उनकी। उन लोगों ने समग्र नामक एक ग्वालों को पहले से ही सिखा पढ़ा के ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गोये समीप ही आई हुई है और पांडव जिस वन में रह रहे हैं वहीं समीप गोये भी रहती है, इसीलिए जन्मेजय। इसके बाद कर्ण और शकुनी ने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्र से कहा, गुरुराज, इस समय हमारी गो के स्थान रमणीय प्रदेशों में है। ये समय गो और बछड़ों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नाम का ब्यौरा लिखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त अवसर है, अतः आप इन्हें द्वैत वन में जाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, तात, हिंसक पशुओं का शिकार खेलने का प्रस्ताव सुंदर है, गो की देखभाल का काम भी अच्छा ही है, परंतु ग्वालों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति का वचन है जिसका मुझे स्मरण हो आया है। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों वहीं कहीं आसपास ठहरे हुए हैं, अतः तुम लोगों को मैं स्वयं वहां जाने का आज्ञा नहीं दे सकता। राधानंदन, मतलब कर्ण, पांडव छलपूर्वक हराए गए हैं, महान वन में रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरंतर तपस्या कर रहे हैं और अब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं, वे महारथी तो है ही। तो दोस्तों, कर्ण का चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है, आप पिछले वीडियो से भी जान सकते हैं। और द्रौपदी वस्त्र हरण के समय कर्ण ने क्या क्या कहा था वो भी आप वीडियो देख के पता लगा सकते हैं कि कर्ण का कैरेक्टर कैसा था। कर्ण का कैरेक्टर नाम से वीडियो बनाया, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद, माना कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करते, परंतु भीमसेन तो सदा ही अमस में भरे रहते हैं और राजा द्रुपद की पुत्र कृष्णा भी साक्षात अग्नि की मूर्ति ही है। तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर रहते ही हो, अतः उनका अपराध अवश्य करोगे। तो उनके वहाँ जाने का मकसद समझ में आ गया है धृतराष्ट्र को और भीष्म पितामह को। तो उस दशा में वे तुम्हें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें तप शक्ति विद्वान है, अथवा उन वीरों के पास अस्त्र शस्त्र की भी कमी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका क्रोध सदा ही बना रहता है, वे तलवार बांधे सदा एक साथ रहते हैं, अतः वे अपने शस्त्रों के तेज से भी तुम्हें दग्ध कर सकते हैं। यदि संख्या से अधिक होने के कारण तुमने ही किसी प्रकार उन पर चढ़ाई कर दी तो ये भी तुम्हारी बड़ी भारी निष्ठा ही समझी जाएगी। मेरी समझ में तो तुम लोगों का पांडवों पर विजय पाना असंभव ही है। महाबाहु धनंजय, इंद्रलोक में रह चुके हैं और वहाँ से दिव्यास्त्र की शिक्षा लेकर वन में लौटे हैं। पहले जब अर्जुन को दिव्यास्त्र नहीं प्राप्त हुए तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। तो ये अर्जुन की दिग्विजय यात्रा के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में पहले वीडियो बनाया है, ठीक है, वो देख सकते हैं। अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्र के विद्वान हैं, ऐसी दशा में वे तुम्हें मार डाले ये कौन सी बड़ी बात है। अथवा मेरी बात सुनकर तुम लोग वहाँ यदि अपने को काबू में रखते हुए सावधानी के साथ रह सको तो भी यह विश्वास करके कि
ये लोग सत्यवादी होने के कारण हमें कष्ट नहीं देंगे। वनवास से दिखते हुए पांडवों के बीच में निवास करना तुम्हारे लिए दुखदायी होगा। अथवा ये भी संभव है कि तुम लोगों के कुछ सैनिक युधिष्ठिर का अपमान कर बैठे और तुम्हारे अपमान अनजाने में किया गया ये अपराध तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। अतः भरत नंदन दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौ की गणना करने के लिए वहाँ चले जाएंगे। स्वयं तुम्हारा वहाँ जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। अब शकुनि बोला, भारत, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उन्होंने बड़ी भरी सभा में ये प्रतिज्ञा की है कि हमें 12 वर्ष तक वन में रहना है। अन्य पांडव भी धर्म पर ही चलते हैं, अतः वे सब के सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते हैं। कुंती नंदन, युधिष्ठिर हम लोगों पर कदापि क्रोध नहीं करेंगे। हमारी विशेष इच्छा केवल हिंसक पशुओं का शिकार खेलने की है। हम लोग वहाँ स्मरण के लिए केवल गौ की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, आप पिछला वीडियो देख के पता लगा सकते हैं। हमारी ओर से वहाँ कोई भी निष्ठापूर्ण व्यवहार नहीं होगा जहाँ पांडवों का निवास होगा, उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनि के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गांधारी पुत्र भरत से दुर्योधन, कर्ण और विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकला। दुशासन बुद्धिमान शकुनि, अन्य अन्य भाइयों और सहस्त्र स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधन ने वहाँ से प्रस्थान किया। द्वितवन नामक सरोवर तथा वन को देखने के लिए यात्रा करने वाले महाबाहु दुर्योधन के पीछे समस्त पूर्वासी भी अपने स्त्रियों के साथ ले गए। दुर्योधन के साथ 8,000 रथ, 30,000 हाथी, कई हजार पैदल और 9,000 घोड़े थे। तो ये सब जा रहे हैं पांडवों को परेशान करने के लिए और उनके कष्ट को देख के खुश होने के लिए, ठीक है। ऐसा दुर्योधन ने पिछले वीडियो पर बताया था। तो बोझ ढाने के लिए सैकड़ों चकड़े, दुकानें तथा वेशभूषाएं, सामग्रियां भी साथ चली। बनिक, बंजीयन तथा आखेट प्रिय मनुष्य सैकड़ों हजारों संख्या में साथ गए। राजन, राजा दुर्योधन के प्रस्थान काल में बड़े जोर का कोलाहल हुआ, मानो वर्षा काल के प्रचंड वायु का भयंकर शब्द सुनाई दे रहा हो। नगर से 2 कोस दूर राजा दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया, फिर वहाँ से समस्त वाहनों के साथ द्वैतवन एवं सरोवर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, दुर्योधन का सेना सहित वन में जाकर गौ की देखभाल करना और उसके सैनिक एवं गंधर्वों में परस्पर कटु संवाद यानी झगड़ा। गंधर्व मतलब चित्रसेन के जो प्रजा थे वो। विष्णुपन जी कहते हैं, जन्मे ये तदंतर राजा दुर्योधन जहाँ तहाँ वन में पड़ाव डालता हुआ उन गौशालाओं के पास पहुंच गया और वहां अपनी छावनी डाली। उसके साथ गए हुए लोगों ने भी उस सर्वगुण संपन्न, रमणीय, सुपरिचित राजल और सघन वृक्षलियों से युक्त प्रदेश में अपना डेरा डाल दिया। इस प्रकार दुर्योधन के डेरे के पास ही कर्ण, शकुनि तथा दुशासन आदि सब भाइयों के लिए पृथक पृथक बहुत से खेमे पड़ गए। रहने की अवस्था ठीक हो जाने पर राजा दुर्योधन ने अपने सैकड़ों और हजारों गौों का निरीक्षण करना आरंभ किया, उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी, फिर बछड़ों पर भी संख्या और निशानी डलवाई और उनमें से जो नाचने योग्य थे उन सब की गणना कराकर उन पर पहचान डाल दी। जिन गौ के बछड़े बहुत छोटे थे उनकी भी अलग अलग गणना करवाई। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 साल के बछड़ों के पृथक गणना करवाई और स्मरण के लिए कुछ कुछ सब कुछ लिखकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्वाला से घिरकर उन वन में विहार करने लगे। वे समस्त पूर्ववासी और सहस्त्रों की संख्या में आए हुए सैनिक उस वन में अपने अपनी रुचि के अनुसार देवताओं के समान क्रीड़ा करने लगे। तदंतर नित्य वाद्य की कला में कुशल कुछ गवैये, गोप और गहने कपड़ों से सजी हुई उनकी कन्याएं दुर्योधन के समीप आई। अपनी स्त्रियों के साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें बहुत सा धन दिया तथा यथायोग्य नाना प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं भी दी। तदंतर वे सब लोग
जरखो जंगली भैंसों, गो रीछो और सुकुरों एवं अन्य जंगली हिंसक पशुओं का सबों से शिकार करने लगे। उन्होंने वन के समनीय प्रदेशों में बहुत से हाथियों को अपने बाणों से वितीर्ण करके अनेक अनेक हिंसक पशुओं को पकड़ लिया। भरत नंदन दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गरसों का उपयोग करता और भांति भांति के भोग भोगता हुआ वहाँ के रमणीय वनों और उपवनों की शोभा देखने लगा। उनमें मतवाले भ्रमर गुंजार करते थे और मयूर की मधुर वाणी सब और गूंज रही थी। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह परम पवित्र देदवन नामक सरोवर के समीप जा पहुँचा। वहाँ मधुत्पन्न भ्रमर कमल पुष्पों का रस ले रहे थे। मयूर की मधुर वाणी से वो सारा प्रदेश व्याप्त हो रहा था। चिदवन से वृक्षों से वो सरोवर आच्छादित सा जान पड़ता था। उसके तटों पर मोरशिली नाग केशरों के वृक्ष शोभा पा रहे थे। उसी सरोवर के तट पर ब्रजधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य संपन्न बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी पत्नी महारानी द्रौपदी के साथ एक दिन में पूर्ण होने वाले राजसी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कुरुशेष जन्मे जय उस यज्ञ में उनके साथ बहुत से वनवासी विद्वान ब्राह्मण भी थे। राजा वन में सुलभ होने वाली सामग्री द्वारा दिव्य विधि से यज्ञ कर रहे थे। वे उसी सरोवर के आसपास कुटी बनाकर रहते थे। भारत तदंतर दुर्योधन ने अपने सहस्त्र सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग बहुत से क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से तथास्तु कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से देदवन के सरोवर के निकट गए। दुर्योधन का सेना नायक देदवन सरोवर के अत्यंत निकट तक पहुंच गया था। उस वन के द्वार पर पैर रखते ही उसको गंधर्वों ने रोक दिया। राजन वहाँ गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवकों गणों के साथ कुबेर भवन में आए हुए थे। वे उन दिनों अप्सराओं और देवकुमारों के साथ विचित्र स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए उस सरोवर को सावर से घेर लिया था। राजन उस सरोवर को गंधर्वराज ने घेर रखा था। ये देखकर राजसेवक राजा दुर्योधन था वहाँ लौट गए। जन्मेजय अपने सेवकों का ये कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले सैनिकों को ये आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहाँ से मार भगाओ। तो ऐसा राजा दुर्योधन कर्ण के भरोसे किया, लेकिन बाद में पढ़ने पर पता चलेगा कि कर्ण ही उसे छोड़कर भाग जाएगा पहले। ठीक है, तो मतलब जिस पे आप विश्वास करेंगे वही। तो राजा का ये आदेश सुनकर उसकी सेना के नायक देदवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले, गंधर्वों, महाराज धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र राजा दुर्योधन वहाँ यहाँ विहार करने की इच्छा से पधार रहे हैं। तुम लोग उनके लिए ये स्थान खाली करके दूर चले जाओ। राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगे और उन सेवक राजसेवकों को उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार कठोर वाणी में बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है। उसे तनिक भी चेत नहीं है, क्योंकि वो हम देवलोकवासी गंधर्वों को भी बनिया के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। तुम लोगों की भी बुद्धि मारी गई है, इसमें संदेह नहीं कि तुम सबके सब मरना चाहते हो। तभी तो उस दुर्योधन के कहने पर तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन होकर बातें कर रहे हो। या तो तुम सब लोग तुरंत वहीं लौट जाओ जहाँ तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है, या यदि ऐसा ही नहीं करना है तो अभी धर्मराज के नगर यमलोक की राह लो। गंधर्व के ऐसा कहने पर राजा के सेनानायक योद्धा वहीं भाग गए जहाँ धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौरवों का गंधर्वों के साथ युद्ध और कर्ण की पराजय। तो किस प्रकार कर्ण दुर्योधन को छोड़कर भाग जाएंगे ये पढ़ने पर पता चलेगा। वैसंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदंतर वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने राजा से कहने के लिए जो जो बातें कही थी उन्हें कह सुनाया। भारत गंधर्वों द्वारा अपनी सेना के रोक दिए जाने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने आमस में भर कर समस्त सैनिकों से कहा, अरे यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी यहाँ आकर क्रीड़ा करते हो तो वे भी मेरी अप्रिय करने वाले हैं। तुम लोग इन सब पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन की ये बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्त्र योद्धा सबके सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। तदनंतर वे अपने महान सिंहनाद से दसों दिशाओं को गुंजाते हुए उन समस्त गंधर्व को रौंद कर बलपूर्वक देदवन में घुस गए। राजन, उस समय दूसरे दूसरे गंधर्वों ने शांतिपूर्ण वचनों द्वारा ही कौरव सैनिकों को रोका
रुकने पर भी उन गंधर्वों की अवहेलना करके वे समस्त सैनिक उन महान वन में भीतर प्रविष्ट हो गए। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरवों बाणों द्वारा मना करने पर ना रुके, तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से ये सारा समाचार सुनाया। ये सुनकर गंधर्व राज चित्रसेन को बड़ा गुस्सा आया, अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी कि अरे उन दुष्टों का दमन करो। भारत चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। गंधर्व को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध में विमुख होकर भागते देखकर राधानंदन वीर कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। राधा जी जो कर्ण के माता थे, जिन्होंने कर्ण को नदी से उठाकर पाला था, पता होगा आपको। गंधर्व की उस विशाल सेना को अपनी ओर आते देख कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। सूत पुत्र कर्ण ने अपने हाथों की स्फूर्ति के कारण लोहे के सुश्रद विशिक मल्ल और बसदंड नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों के मस्तक काटकर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूत पुत्र कर्ण के द्वारा जो कतो गंधर्व पर मार पड़ने लगी, तो ही तो वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन के अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमय हो गई। तदंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनि, दुशासन, विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहां आए थे, उन सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करके रथों पर अड़ूल हो गंधर्वों की सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके साथ रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गतियों में चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने और गंधर्वों पर बाण बरसाने लगे। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित हो कौरवों के साथ भिड़ गए। उस समय उसमें घमासान युद्ध होने लगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदंतर कौरवों के बाणों से पीड़ित हो गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाते देख कौरव योद्धा जोर जोर से गरजाने लगे। गंधर्व को भयभीत देखकर गंधर्वराज से चित्रसेन को बड़ा क्रोध आया। वे शत्रुओं के वध में दृढ़ संकल्प लेकर अपने आसन से उछल पड़े। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों को जानते थे, ज्ञाता थे। उन्होंने माया भय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरव पर मोह छा गया। भरत उस समय दुर्योधन को एक एक सैनिक दस दस गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा था। राजन, तदंतर गंधर्व की विशाल सेना से पीड़ित हो वे सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे, भयभीत होकर युद्ध से भागने लगे। जन्मेजय, जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनि ये समरांगन में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि गंधर्व से युद्ध करते रहे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से सौ सौ और हजार हजार का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूत पुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार, पट्टी, सूल और गदा द्वारा प्रहार आरंभ किया। जिन्होंने उसके रथ जुआ काट दिए, दूसरे ने ध्वजा काट कर गिरा दी, कुछ लोगों ने इष्टदंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्व ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया यानी मार दिया, तथा दूसरे ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने छत्र, दूसरे ने वरुत और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्व की संख्या कई हजार थी। उन्हें कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट दिया। तब सूत पुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। उसके बाद महाराज, गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया, तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सेना भाग चली। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कर्ण पराजित होकर भाग गया सेनाओं के साथ। इससे पहले भी ध्रुपद के युद्ध में कर्ण भाग गया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लोगों ने कमेंट किया है, मैंने उत्तर भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण तो भाग गया, लेकिन दुर्योधन का क्या होगा ये उसने सोचा नहीं।
कवच के होते हुए वो भाग गया, तो मतलब उसको कवच पर कोई विश्वास नहीं था, ठीक है, वो कवच का बार बार अपमान कर रहा था। तो ये थी आज की चैप्टर, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, यहाँ से शुरू करेंगे गंधर्व द्वारा दुर्योधन आदि की पराजय और उनका अपहरण। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।